उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज आपको ये ड्रेसिनिया के बारे में बता रही हूँ। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ड्रेसिनिया बहुत खूबसूरत एक पौधा होता है और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसकी तकरीबन 40 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं और ये रेड इसकी पत्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, बाकी रेडिश ब्राउन भी हैं, ग्रीनिश भी इसमें हैं। ये देखें ब्राउनिश सी नज़र आ रही होंगी आपको। तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, इसके शेप, इसके कलर, लीव्स इसकी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो ये इसको ना पार्कों में हेजेस के तौर पर भी लगाए जाते हैं, बाउंड्री जैसे आप कह लें, बाउंड्री की तरह भी इसको लगाया जाता है और ये देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। घर में भी आपके गार्डन में बहुत अच्छा देता है। तो ये नर्सरीज पे भी बहुत इसकी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो बहुत टाइप्स हैं इसकी ड्रेसिंग की। तो ये बहुत खूबसूरत देखने में प्लांट है। अच्छा, इसमें ये ड्रेसिंग जो है ना, इसको हम आउटडोर भी रख सकते हैं और इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर हम रखेंगे अगर तो थोड़ी सी हमें ऐसी जगह, या तो कोई मतलब बल्ब जल रहा हो, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसकी रोशनी इसको मिले, या फिर थोड़ी सी किसी विंडो से हल्की सी धूप आ रही हो तो वो इसे मिलनी चाहिए। अब इसकी अगर हम लाइट एंड लोकेशन की बात करें ना, तो इसको हमें बहुत धूप में नहीं रखना। धूप में क्या होता है, ये पौधा ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। इसकी जो टिप्स होती है ना, ये लीव्स की जो टिप्स होती है, ये ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं और ये इसका कलर भी, ये जो आपको इतना ब्राइट सा कलर आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें ये जो है रेड हो जाता है इसका कलर। तो इस वजह से इसको ज़्यादा इसको धूप में नहीं रखना, पौधे को इसको शेडेड एरिया में रखना है, जहाँ हल्की सी सुबह शाम की हल्की सी धूप अगर आती हो तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए हम इसको धूप में नहीं रखते कि इसके कलर ख़राब हो जाते हैं और इसकी जो एजेस हैं ना, लीव की जो एजेस हैं, वो इसकी ब्राउन होना शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गई इसकी रोशनी की बात, या ये मतलब कहने का ये है कि ये सन लविंग प्लांट नहीं है, तो लिहाजा सूरज की रोशनी में इसको नहीं रखना है। दूसरी बात, इसकी अगर हम सॉइल की बात करें ना, सॉइल जो है इसकी पोरस होनी चाहिए। पोरस सॉइल में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और इसको पोरस सॉइल पसंद है। पोरस सॉइल से क्या होता है कि वो पानी जो है सॉइल में स्टैंड नहीं होता, बल्कि पानी उसमें ड्रेनेज होल के ज़रिए बाहर निकल जाता है पॉट से। तो लिहाजा इसकी सॉइल को हमें ऐसा लेना है कि वो उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, सॉइल पोरस हो। और इसमें अगर हम थोड़ी सी, जब इस पौधे को हम लगाएं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी कटिंग से इसको लगा सकते हैं। इस पौधे को हम कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं, वैसे सीड से भी ये लगता है। तो इसमें जब हम सीड वगैरह उगाएं ना, तो हमें सॉइल जो हम लेते हैं ना गार्डन सॉइल में, अगर हम थोड़ी सी सेंड मिला लें तो वो हमारी जो सॉइल होगी ना पॉट की, वो अच्छी पोरस हो जाएगी, तो जो इस पौधे के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें अगर हम वाटरिंग की बात करें ना, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसको हमें पानी उस वक्त देना है जब पॉट की सॉइल जो है वो, ये देख रहे हैं आप सॉइल, जब ड्राई बिल्कुल हो जाए ऊपर की सरफेस पॉट की, तो फिर हम इसको पानी दे सकते हैं। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, इतना पानी हमें इसे नहीं देना है कि पानी पॉट के अंदर खड़ा हो जाए और इसको नुकसान पहुँचाए पौधे को। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी देंगे ना, तो उससे होगा क्या, इसकी रूट्स को नुकसान पहुंचेगा और ये पौधा जो है सही तौर पर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा हमें पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं देना है। पानी जो हम दें वो एक लिमिट में रहते हुए हम इसको पानी दें, तो ये पौधा अच्छे तरीके से चल सकता है। अच्छा, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें ना इसकी, तो फर्टिलाइज़र इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल फर्टिलाइज़र तो जैसे इंसान जो है उसको भी ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है,
तो इस पौधे को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और वो किस शक्ल में हम दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र किस सूरत में दे सकते हैं, हम इसको पत्तों की खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं और काउडंग भी दे सकते हैं, लेकिन कम दे सकते हैं। तो ये जो है, अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पौधा जो है वो चलता रहेगा। और ये कलरफुल लीव्स जो है हमारे गार्डन को एक बहुत अच्छा लुक देंगे। ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है पौधा। अच्छा, अगर हम इसके पेस्ट की बात करें ना, तो पेस्ट जो है इसमें नहीं लगता, पेस्ट लगता नहीं है इसमें। अगर लग जाए, अगर पेस्ट लग जाए इसमें, तो हमें नीम ऑयल का स्प्रे इसको कर देना चाहिए। एक चम्मच नीम ऑयल लेके एक लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, और ये आधा चम्मच जो है डिश वॉशर का लेके, डिश वॉशिंग जो लोशन होता है ना, सोलूशन ना समझ लें आप, लिक्विड होता है, उसको इसमें डाल के और अच्छी तरह से बॉटल को शेक करके और इसका स्प्रे इस पर कर सकते हैं। तो वो तो जैसे हम तमाम पौधों को कर सकते हैं। अच्छा, और पौधों में भी ये होता है कि इसमें पेस्ट लगे हों या ना लगे हों, दोनों सूरतों में हम इसमें इसको यानी ये नीम ऑयल का स्प्रे हम कर सकते हैं। तो ये इसकी हो गई पेस्ट की बात। इसके अगर हमें इसकी प्रोपगेशन को बढ़ाना हो ना, प्रोपगेशन को अगर इसकी बढ़ाना हो, तो हम इसकी कोई एक कटिंग लेकर इसको सॉइल में लगा दें हम, और वो जो है कुछ दिन के बाद, और सॉइल में लगाने के बाद हमें इसे थोड़े पहले शेडेड एरिया में रखना चाहिए इसकी कटिंग को, और फिर जब उसमें से छोटी छोटी सी लीव्स निकलने लगे, तो फिर उसको हमें थोड़ा शेड से सेमी शेड में रख देना चाहिए। तो इस तरह से इसकी कटिंग को हम ग्रो कर सकते हैं, और इसको कटिंग से हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें आप इसमें किस तरह का होता है ये। अब कोई भी हम इसमें से एक इसकी ब्रांच लेके ना यहाँ से वो लगा सकते हैं, और ये आराम से ग्रो भी हो जाता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत देखने में प्लांट है, रेड ड्रेसिना और भी बहुत सारे कलर होते हैं। ये जो इसमें आपको मल्टी कलर में लग रहा है ना, ऊपर की रेड है, फिर ग्रीनिश, फिर ब्राउनिश, ये ब्राउनिश, और ये बाज़ ऐसी भी इसमें वैरायटी होती है। पूरे ये जो लीव्स है ना इसकी, ये पूरी रेड होती है। तो ये रेड तो अगर पूरी होती है, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है रेड, तो वो बहुत और भी खूबसूरत लगता है ये पौधा देखने में। जैसे मैं आपको बताऊँ, मार्जिनेटा इसकी एक और है, ड्रेसिना मार्जिनेटा, वो भी इसकी बहुत अच्छी एक वैरायटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रीन है और ये कलर है। तो ये जो है ड्रेसिना की कसम है, ये भी ड्रेसिना ही है जो मैंने आपको दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो चलें फिर आपसे आइंदा किसी अच्छे टॉपिक पर, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।